के दो सोल्यूशन बनाए गए अलग अलग सोलवेंट्स में जिनकी मोलैलिटी सेम है तो हमें बताना है कि क्या उनका हो तो सोल्यूशन का डिप्रेशन हो तो जो होता है डेल्टा टी एफ उसका फॉर्मुला क्या होता है आई के एफ एम करेक्ट आई के एफ एम हो गया फॉर्मूला फॉर्मूला अगर आई के एफ एम हो गया इसमें आई जो होता है हमारा वो होता है वॉन्ट ऑफ फैक्टर जो कि सल्यूट की प्रॉपर्टी होती है के एफ होता है क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट या फिर फ्रीज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट, जो कि सॉल्वेंट की प्रॉपर्टी होती है एम हो गया हमारा मोलैलिटी और डेल्टा टी एफ इधर हो गया डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इन फ्रीजिंग पॉइंट अब हमसे पूछा गया है कि क्या डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट सेम होगा दो सोल्यूशन का तो क्योंकि दोनों सोल्यूशन किसके बने हुए के. एक है, तो I की आपको एक्सप्लेन करूंगा कैसे कैलकुलेट करते हैं अभी के लिए इतना समझ लीजिए आई की वैल्यू सुक्रोज के लिए वन होती है तो आई तो सेम गई चलिए दोनों में मोलैलिटी हमने सेम रखी इसलिए एम भी क्या गई सेम हो गई दोनों के लिए एम वन इक्वल टू एम टू सेम हो गई लेकिन अब बात की जाए कि आई ए जो के एफ है ये सॉल्वेंट की प्रॉपर्टी होती है डिपेंड्स ऑन सॉल्वेंट सॉल्वेंट की प्रॉपर्टी हो गई सॉल्वेंट की प्रॉपर्टी है और सॉल्वेंट अगर दो अलग अलग हैं यानी आई के एफ अलग अलग होंगे यानी जो के एफ वन होगा विल बी नॉट बी इक्वल टू के एफ टू के एफ वन जब के एफ टू के बराबर नहीं होगा तो ऑब्वियसली इनके डिप्रेशन जो फ्रीजिंग पॉइंट के डिप्रेशन होंगे वो अलग अलग होंगे सेम नहीं होंगे

टी क्या दिया जाता है, और ये हुआ है PV से प्रेशर क्या हो गया प्रेशर हो गया एन बाई वी मल्टीप्लाई बाई आर टी एन बाई मोल्स बाई वॉल्यूम क्या होता है हमारा मोला तो मोल्स बाय वॉल्यूम हमारा मोलारिटी होता है आर टी होता है गैस कांस्टेंट इन टू टेम्परेचर आर क्या हो गया गैस कांस्टेंट यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट

वॉलेटाइल लिक्विड लीजिए लिक्विड ए एंड लिक्विड बी दोनों वोलेटाइल हैं तो अपने खुद के जब इस प्योर सॉल्वेंट फॉर्म में होंगे तो अपने खुद के कुछ प्रेशर रखेंगे पी नॉट ए एंड पी नॉट बी करेक्ट है अब इनको मिक्स कर लीजिए कुछ मोलर रेशियो में एन एस टू एन बी ए और बी यानी ए और बी मतलब मोलर रेशियो क्या इसको थोड़ा इजी वे में समझते हैं कि ए मोल्स ऑफ ए लिए और एन बी मोल्स ऑफ बी लिए और इनका सोल्यूशन बना दिया सोल्यूशन बनाने के बाद इनके मोल फ्रैक्शन क्या होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ एक्स बी क्या होगा एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी करेक्ट है यानी ये हो गया हमारा मोल फ्रैक्शन का मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला राउल्स लॉ के हिसाब से माफ करिएगा मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला हो गया अगर हम लोग मोल्स लिए होंगे और बी तो राउल्स लॉ के मुताबिक जो एक कोई पर्टिकुलर कंपोनेंट कुम, उठा लें सोल्यूशन का जैसे ए उठा लिया मान लीजिए तो जो टोटल प्रेशर ऑफ ए इन दोल्यूशन होगा कितना होगा वो होगा टाइम्स पी ए नॉट यानी अब इधर देखा जाए तो पी ए क्या हो गया ए पी ए नॉट इसका मतलब क्या हुआ कि एक्स ए टाइम्स पी ए नॉट पी ए नॉट है वेपर प्रेशर वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ए वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ए हो गया हमारा पी ए नॉट अब किसी भी सॉल्यूशन के लिए पी ए नॉट की वैल्यू तो फिक्स रहेगी हमेशा सही है एक कांस्टेंट वैल्यू है तो इसे क्या भी लिख सकते हैं हम लोग पी ए इज इक्वल टू एक्स ए टाइम्स कांस्टेंट सी और फर्दर इस कॉन्स्टेंट को अगर हटाएं तो क्या हमें पता ही है पी मैथमेटिक्स के हिसाब से पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स ये प्रोपोर्शनैलिटी कॉन्स्टेंट हटाएंगे जब तो इज इक्वल टू ए कॉन्स्टेंट वैल्यू आएगी वो कॉन्स्टेंट वैल्यू प्रेशर ऑफ प्योर ए हो जाएगी यानी जो हमारा वेपर प्रेशर ऑफ ए इन द सोल्यूशन होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ ए यही पूरी स्टेटमेंट जो मैथमेटिकली हमने ड्राइव किया है यही होती है हमारी राउल लॉ और अगर पूरे सोल्यूशन का वेपर प्रेशर निकालना होता तो है तो वो क्या होगा ए प्लस बी करेक्ट है जो कि हो जाएगा एक्स ए पी ए नॉट प्लस एक्स बी पीबी नॉट एक्स ए नॉट प्लस एक्स बी पीबी नॉट ये हो गया हमारा टोटल वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन तो ये वाली स्टेटमेंट भी हमें बिल्कुल करेक्ट दी है इसमें कोई गलती नहीं है लेकिन हमें बताना था गलत स्टेटमेंट कौन सी है तो हमारा आंसर नहीं होगी अभी तक का हमारा आंसर है ए पार्ट चलिए अपनी लास्ट और फाइनल स्टेटमेंट की तरफ बढ़ते हैं जो कि दिया है करेक्ट ऑर्डर ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर

तो आई की वैल्यू जो होती है यूजली जो हम यूज करते हैं केमिस्ट्री में अपने इसमें वो होती है नंबर ऑफ स्पीसी आफ्टर एसोसिएशन और डिसोसिएशन और डिवाइडेड बाय ये पूरी चीज को डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ स्पीसीस या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बिफोर एसोसिएशन एंड डिसोसिएशन यानी कोई सोल्यूट अगर एसोसिएट या डिसोसिएट कर रहा है तो नंबर ऑफ आफ्टर एसोसिएशन डिसोसिएशन एंड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ बिफोर एसोसिएशन और डिसोसिएशन ये वाला फॉर्मुला यूज करते हैं हम लोग केमिस्ट्री में जब भी हमें ऐसे टाइप के न्यूमेरिकल लगाने होते हैं तो और अभी हमें क्या दिया हुआ है कि सारे की जो जितने भी हमारे पास स्पीसीज हैं बी ए सी एल टू के सी एल

कि ये टेम्परेचर जो है हमारा वो कांस्टेंट है तभी कंपेयर कर सकते हैं एम सबका सेम है आर टी सेम है तो खाली हमें क्या करना है जो पाई इज इक्वल टू क्या हो गया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई हो गया पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई यानी ऑस्मोटिक प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉन्ट ऑफ फैक्टर तो जिसका जितना ज्यादा वॉन्ट ऑफ फैक्टर उतना ही ज्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर चलिए शुरू करते हैं तो बी ए सी एल टू एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कह सकते हैं यानी ये हंड्रेड परसेंट डिसोसिएट करेगा सही है मतलब इस इन तरह के जितने भी सोल्ट होते हैं ये कंपाउंड होते हैं ये डिसोसिएट करते हैं जितने भी फर्स्ट या बी ए टू पॉजिटिव प्लस टू सी एल नेगेटिव आई के हिसाब तो आई की वैल्यू क्या होगी इस फॉर्मूले के हिसाब से बाद में कितनी वैल्यूज हैं डिसोसिएट होने के बाद एक और दो वन प्लस टू थ्री पहले एक ही था तो आई की वैल्यू आ गई थ्री उसके बाद सीएल की बात करें तो के जो है ये टूटेगा के प्लस प्लस सी एल में करेक्ट है बाद में कितने हो गए एंड तो I की वैल्यू क्या हुई प्लस वन डिवाइडेड दैट इज करेक्ट इसके लिए आई की वैल्यू हो गई टू लेकिन अब चर्चा होगी एक स्पेशल कंपाउंड की जिसका नाम है सी एच थ्री सी डबल ओ एच यानी एसिटिक एसिड ये टूटता तो जरूर ऐसे ही है सी एच थ्री सीओ नेगेटिव प्लस एच पॉजिटिव

तो C माइनस सी एल्फा प्लस सी एल्फा प्लस सी एल्फा तो ये बनता है C प्लस सी एल्फा तो I इज गोल टू सी प्लस सी एल्फा डिवाइडेड बाई सी बनेगा alpha, तो I की वैल्यू आई वन प्लस एल्फा और एसिटिक एसिड के लिए एल्फा वन से छोटा होता है यानी अब बात करी जाए तो एसिटिक एसिड के लिए जो हमारा एल आई होगी एंट फैक्टर वो दो से एक के बीच में होगा सही है अब अब चर्चा कर लीजिए सुक्रोज की तो सुक्रोज हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं सुक्रोज जो है हमारा वो ऑर्गेनिक सॉल्यूट है आई की वैल्यू वन होती है तो अब इनकी रिस्पेक्टिव आई की वैल्यूज लिखना शुरू करें बी ए सी एल टू की थ्री के सी एल की टू एसिटिक एसिड की वन से टू के बीच में एंड सुक्रोज की वन तो इनका जो ऑर्डर होगा वो कुछ इस प्रकार से होगा वॉन्ट ऑफ फैक्टर का तो यही ऑर्डर इनके ऑस्मोटिक प्रेशर का हो जाएगा बी एस टू का सबसे ज्यादा फिर के सी एसिड का एंड इन द एंड सुक्रोस का तो अब देखा जाए तो यही ऑर्डर इधर दिया हुआ है यानी ये स्टेटमेंट सही है लेकिन बताना था तो कौन सी स्टेटमेंट गलत है इसलिए हमारा आंसर नहीं होगा तो ओनली क्वेश्चन टू दिस ओनली आंसर करेक्ट आंसर थैंक यू क्लास सिक्स से लेकर नीट आई आई टी जे मेन्स और एडवांस के लेवल तक दस मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा आज डाउनलोड करे डाउट नेटअप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट आठ चार सौ चार सौ चार सौ पर